हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में होगी पढ़ाई, जिसमें था आपका छः जिलों में गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम। ये 6 जिलों में ऑलरेडी जो है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का कुछ चुनिंदा स्कूल में पढ़ाई जारी था, 1-2 साल पहले से हो रहा था। उसी को देखते हुए यूनिसेफ के मदद से ये पढ़ाई हो रहा था, तो इसमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, इसलिए इसको विस्तार करके इन्हीं जिलों के 2400 प्रखंड में, ये जो गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और साहेबगंज और पश्चिम सिंहभूम 2400 जिलों में विस्तारित किया गया। इसका भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें था कि 1041 यानी 1041 स्कूलों के 24 प्रखंडों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू। इसमें अभी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, पहले चूंकि कमी स्कूलों में पढ़ाई होती थी तो कमी शिक्षक उसी में से शिक्षक में से नियुक्त होते थे, लेकिन अब स्पेशल ये जैसे आपका संथाली हुआ हो, मुंडारी, कुड़ुक जो पढ़ाई होगी, उन शिक्षकों को बहाली होगी तो उनका मटेरियल तैयार हो रहा है सभी भाषा में। अभी शुरुआत हुई है संथाली में हो जाएगा, मुंडारी में होगा, कुड़ुक में होगा, हो में होगा। उसके बाद ये पूरे 2400 जिलों में, झारखंड के 2400 जिलों में लागू होगा और रिसर्वे होकर फिर आ गया है। लेकिन इधर सरकार को और जल्दी करना चाहिए, चूँकि 1-1.5 महीना बाद उधर देखिए क्या होता है, फिर चुनाव का अपडेट आ जाएगा, तो ये पेंडिंग हो जाएगा का मतलब हुआ कि रिजल्ट यानी चुनाव इलेक्शन जब हो जाएगा, सरकार फिर रिगठन होगी तब हो सकता है, तो सरकार को और पहले कर देना चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं इसके बारे में क्या है कि शिक्षण सामग्री बन रहा है, एक्सपर्ट सब बना रहे हैं, अभी शुरुआत हुआ है संथाली का, तो देखिए चलिए आगे देखते हैं। संथाली में बनेगी स्कूलों की पाठ्य सामग्री, विशेषज्ञ कर रहे हैं अनुवाद। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में भी डिजिटल कंटेंट मिलेंगे। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से संथाली भाषा में ऑडियो वीडियो लर्निंग मटेरियल तैयार किया जा रहा है। तो टोटल जितना और भाषा है सभी का तैयार होगा। ये अभी तत्कालीन जो है 1000 स्कूल में जो इसका पहले मैं वीडियो बनाया था, उस सब में अभी शिक्षक को फटाफट बहाली करके और मटेरियल देके शुरुआत तो कर दिया जाएगा। उसके बाद 2400 जिलों में फिर ये शुरुआत होगी। तो आप लोग को तो क्रिटेरिया मालूम ही है, आपको इंटर में 45% उस पेपर में होना चाहिए, जनजातीय क्षेत्र भाषा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट कोई भी है, तो आप योग्य हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। अपना तैयार है, जितना भी सर्टिफिकेट है आपका आय जाति स्थानीय सब बना के रेडी रखिए। अब आगे, वर्तमान परिषद की ओर से स्कूली छात्राओं के लिए जनसंख्या परियोजना कार्यक्रम NPEP के अंतर्गत विद्यालय के स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के वीडियो का झारखंड के जनजातीय भाषा संथाली में अनुवाद कराया जा रहा है। इससे बच्चे क्षेत्रीय एवं मातृभाषा में इसे आसानी से समझ सकेंगे और उनको सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिसे वे बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन कर पाएंगे। ये यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा है, यूनिसेफ इसमें मदद कर रहा है। संथाली में डिजिटल कंटेंट तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में क्षेत्रीय भाषा में तैयार डिजिटल लर्निंग मटेरियल को प्रदेश के देखिए दिया हुआ 1000 स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा। 1041 स्कूल है, इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर लिया है, देखिएगा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा लेटेस्ट न्यूज़ या झारखंड जनजातीय क्षेत्रीय भाषा करके आप कीजिएगा तो वो आ जाएगा वीडियो। अब आगे, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने के बुनियादी कौशल को बेहतर बनाने के लिए बच्चों की मातृभाषा को उसकी औपचारिक शिक्षा में शामिल करते हुए उन्हें हिंदी के साथ साथ बुनियादी शिक्षा एवं संख्या ज्ञान सिखाने के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जैसे अभी आपका FLN चल रहा है और उसमें आपको बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान, बुनियादी शिक्षा, उसको मतलब जो बुनियादी है जानना चाहिए बच्चों को, जो बेसिक चीज़ उनके बारे FLN कार्य में जो नई शिक्षा नीति में है, जिसका कि शिक्षकों को बहुत बार ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग भी लगभग सभी जिलों में हो गया झारखंड का, और दूसरा स्टेट में भी इसका ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, UP में तो सबसे पहले हुआ था। तो उस ये सही नई शिक्षा नीति में ये चीज़ है, और इसमें देखते थे कि बच्चों लोग को नाच गा के फिर बेसिक तरीका से कैसे पढ़ाया जाना है, इस सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है।
तो चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्य प्राप्त करना, राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम को अगले एकेडमिक सत्र तक अतिरिक्त 1000 विद्यालयों में स्थापित करने की योजना है। मैंने ये जो है अभी 6 जिलों के 24 प्रखंड में 141 स्कूल में विस्तारित है, तो उसी के बारे में बताया गया है। इसका पहले का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर पूरे जिलों में नए शिक्षकों की बहाली होगी जनजाति क्षेत्र भाषा का, तो उसके लिए तो मटेरियल भी चाहिए। ऐसे बहुत दोस्तों बहुत ऐसा जगह अभी भी है जहाँ की टीचर जाते हैं और उनको वहाँ का भाषा समझ में नहीं आता है, बच्चों को बहुत दिक्कत है, सीख के फिर पढ़ाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि शिक्षक गए उसको वहाँ का भाषा ही नहीं समझ में आया, फिर वहीं से सीखे और बच्चे से इस तरह बहुत उदाहरण मिलेगा आप लोग को। उन लोग को भाषा सीख के फिर पढ़ाना शुरू किए बहुत शिक्षक लोग। इसके लिए पिछले दिनों जनजातीय भाषा बहाल जिलों के प्राथमिक, देखिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2 चरण में भाषाई सर्वेक्षण कराएगा। बताए पहले 1 चरण में हुआ, उसमें बहुत गड़बड़ी था। इधर पश्चिमी सिंहभूम का था कि वहाँ 8 लाख आबादी में मात्र 11 संथाल शिक्षक का सृजन किया गया था। ऐसे झारखंड का जितना जिला है और जितना स्कूल है, कोई भी स्कूल नहीं है कि जहाँ के क्षेत्रीय भाषा 5-10 बच्चा नहीं मिलेगा। टोटल स्कूल में कर देना चाहिए, टोटल में नियुक्ति कर देना चाहिए। पता नहीं किस तरह ये लोग सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण में कौन स्कूल नहीं है जहाँ के क्षेत्रीय भाषा वाले बच्चे नहीं मिलेंगे। यानी जितना भी 15 जनजाति और क्षेत्रीय भाषा मिला के हैं उसमें से प्रत्येक स्कूल में 10 बच्चा तो होना ही है। कोई कोई स्कूल में 2-3 भाषा वाले मिलेंगे आपको, बंगाल साइड वाला में जो बंगाल बॉर्डर में उधर 2-3 भाषा वाले, इधर रांची जिला रामगढ़ जिला वाला में आपको खोटा नागपुरिया वाला भी दोनों मिलेंगे इस तरह। तो अब देखिए जानकार शिक्षक जैसे ERT रांची में कर रहे हैं अनुवाद, बच्चे क्षेत्रीय एवं मातृभाषा में इसे आसानी से समझ कर सकेंगे और उनका उत्तर उनके साथ आपसे सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। चलिए संथाली शिक्षकों की होने वाली है नियुक्ति, देखिए इसलिए जब संथाली का और है लेकिन यह संथाली का ही दिया हुआ है। इन्हीं 6 जिलों में जो है आपका हो भी है, कुड़ुक भी है, मुंडारी भी है। इसका वीडियो 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, जनजातीय क्षेत्र भाषा संबंधित 3 या 4 वीडियो है। एक बार शुरू में नियुक्ति वाला भी है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। देखिए है उसी का चर्चा, घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसके लिए पिछले दिनों सर्वे कर जिले से रिपोर्ट मांगी गई थी। जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। मैंने कंप्लीट होकर दोबारा इसका सर्वे हुआ, जिसके आधार पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। पूर्वी सिंहभूम से यह रिपोर्ट भेज दी गई है। देखिए पूर्वी सिंहभूम का इसमें दिया हुआ है, पूर्वी सिंहभूम में कितना है देखते हैं। जब पूरे झारखंड के सभी जिलों का मैं रिपोर्ट एक संग्रह करके उसका वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में 24 जिलों का जो नियुक्ति हुई शिक्षकों का काउंसिलिंग अभी चल ही रही प्रक्रिया, एक यानी आज 31 तारीख है ना, कल 1 सितंबर 2000 को उसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, वो अपलोड हो उसका भी मैं अभी उसका तो पूरा जन जुलाई अपडेट किया, आपका अगस्त भी अपडेट किया, अब फिर आएगा कल उसका फाइनल मेरिट लिस्ट, देखेंगे क्या होता है, नहीं तो उसका भी अपडेट करेंगे जैसा होगा। और ये देखिए जिला का यानी ये आपका है पूर्वी सिंहभूम के जिले के 904 स्कूल है प्राथमिक विद्यालय में संथाली के 76 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। हमको लगता है ये भी कम है, 76 ही कैसे होंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए की जा रही है, ताकि बच्चों को शिक्षा से आसानी से जोड़ा जा सके। तो ये रहा दोस्तों ये बिग अपडेट, और जैसे जैसे बिग अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देते रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद आएगा आपका पूरा 2400 जिलों का वैकेंसी कैसे आएगा आप लोग अलर्ट रहिएगा। अपना अपना ब्लॉक यानी प्रखंड स्तर पर इसका जो है बहाली होगा, यानी BDO साहब जो होंगे इनका अध्यक्ष होंगे, कमिटी बनेगा उसमें, तो इसको अपना अपना प्रखंड के कांटेक्ट में रहिएगा। जैसे ही निकलेगा, पहले तो जिला स्तर से निकलेगा, जिला स्तर से डायरेक्ट प्रखंड में जाएगा, प्रखंड से इसका नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही अपडेट आएगा मैं अपडेट करते रहूँगा। जय हिंद, जोहार झारखंड।